तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने इस आउटलाइन को बना के दिखाया था और आज के वीडियो पे मैं इसका कलर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे दो ऑयल पेस्टल का यूज करूंगा, एक डॉम्स और एक कैमल का। तो जल्दी से भाई कलर को यहाँ पे खोल लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग व्हाइट कलर को पहले करने वाले हैं। तो पूरा जो फेस का पार्ट है उसके ऊपर मैं व्हाइट कलर को यहाँ पे कर दूंगा, जो कि दोस्तों हमारा हाइलाइटेड पार्ट होगा, वो दोस्तों तुम लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ। देख सकते हो आंखों के एक साइड पे ब्लू कलर है और ऑपोजिट साइड पे है येलो कलर। तो इस दोनों शेड का यूज करके मैं यहाँ पे आंखों को दूंगा। कलर्स को दोस्तों अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं ब्लेंड करूंगा और ब्लेंडिंग को करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैं यूज कर रहा हूँ ईयरबड का। मैंने दोस्तों पेपर स्टैम्प का भी यूज किया है, तुम लोग चाहो तो किसी भी ब्लेंडिंग का यूज कर सकते हो। कोई कोई आर्टिस्ट दोस्तों टिश्यू पेपर का भी यूज करते हैं, वो दोस्तों तुम लोग डिसाइड कर सकते हो क्या यूज करने से तुम लोगों को हेल्पफुल लगता है। अभी दोस्तों मैं कर रहा हूँ वेनम का कलर, और वेनम का कलर हम सब लोगों को पता है कि ब्लैक कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फेस के राइट साइड पे होगा बहुत सारे येलो कलर्स, क्योंकि दोस्तों येलो कलर का जो रिफ्लेक्शन है वो राइट साइड से आ रहा है। तो इस साइड को दोस्तों मैं येलो कलर कर दूंगा और ब्लैक कलर और येलो कलर को मर्ज करना है हमें। दोनों कलर को मर्ज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैं यूज कर रहा हूँ ईयरबड का। तो इस तरीके से तुम लोग कलर्स को मर्ज कर सकते हो, और यहाँ पे तुम लोग नोटिस कर सकते हो मैं ब्राउन कलर का भी यूज कर रहा हूँ बहुत सारी जगह पे। कलर्स को किस तरीके से अप्लाई करना है वो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप देख के यहाँ से बना सकते हो। अभी दोस्तों एक सीजर का यूज करके मैं हाइलाइटेड पार्ट्स को दूंगा, और यहाँ पे दोस्तों जो व्हाइट कलर हमने दिया था पहले वो निकल के आएगा और उसका यूज करके हम लोग इस हाइलाइटेड पार्ट्स को देंगे। ऊपर का जो लेयर है दोस्तों वो उठ जाएगा और नीचे का जो व्हाइट लेयर हमने दिया था वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हाइलाइटेड पार्ट्स को हम लोग दे देंगे। You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated, where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics. Teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroyed. You need some peace of mind, it's all I need to give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I gotta leave. यहाँ पे दोस्तों मैं कर दूंगा पिंक कलर, और इसका जो डार्क शेड होगा वो रेड कलर का यूज करके दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, और इस पे भी दोस्तों सीजर का यूज करके हाइलाइटेड पार्ट्स को दिखा देंगे। Trouble can't get through to me, it's not you, yeah, it's always me. I close my heart to you, you see it opens up for no. दादो मैं दोस्तों येलो एंड ब्राउन कलर का यूज करके शेड्स बनाऊंगा, और उसके बाद फिर से ब्लेंडर का यूज करना है, और हर एक पार्ट भी दोस्तों हम लोगों ने ब्लेंडर का यूज किया है, तो इस पार्ट पे भी हम लोग कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों वेनम का टंग अभी बाकी है, तो इसको भी मैं येलो कलर का यूज करके पहले दूंगा, और उसके बाद यूज करूंगा स्काई कलर, पिंक कलर एंड रेड कलर। रेड कलर दोस्तों यहाँ पे डार्क शेड का काम करेगा, और यहाँ पे ब्लैक कलर का भी यूज करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से कर रहा हूँ।
फेस का पार्ट दोस्तों यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे क्योंकि बैकग्राउंड को हमें करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। She pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart and my damn face. 'Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her. We can't slay them. Yeah, she's got me hooked. I'm down a ride. Leaving, she tried to kill me. I can see it in her eyes. अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे स्काई कलर का यूज करेंगे बैकग्राउंड को करने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ स्काई कलर नहीं होगा, स्काई कलर के साथ यहाँ पे अल्टामेरियन ब्लू का भी यूज करूंगा और ब्लैक कलर का भी यूज करूंगा। तो देख सकते हो कहाँ पे कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों बैकग्राउंड का जो शेड है वो बना लेना है। और बाकी दोस्तों कौन सी जगह पे कौन सा कलर का मैंने यूज किया है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया है। ड्राइंग दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुका है। तुम लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट पे जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दो एक लाइक, एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ और एक मजेदार वीडियो लेके।